जिफी नाम का आइटम है, कहाँ गया कर्सर, जिफी 100 टैबलेट नाम का आइटम है, वो हमारी लिस्ट में नहीं है, हमको ऐड करना है। यहीं पर आप अल्टर F4 पहले तो सर्च करेंगे जिफी नाम का आइटम। ये देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ जिफी 100, इसमें DT है, मुझे 100 चाहिए। यहीं मैं अल्टर F4 का बटन दबाऊंगा, नया आइटम जिफी 100 टैबलेट। अब इसका पैकिंग 10 का पैकिंग आएगा, इसको 10 एफोस्ट्रोफी S ऐसा टाइप करेंगे। रैक नंबर छोड़ दीजिए, अभी पता नहीं, एलोपैथी आइटम है। अब देखिए परचेस में यूनिट अपने आप आ गया, परचेसिंग हमारा परचेसिंग पूरा स्ट्रिप में होता है, इसलिए परचेस में स्ट्रिप का यूनिट आ गया। सेल हमेशा हम टैबलेट में सेल करेंगे, इसलिए टैबलेट आ गया। अब यहाँ कन्वर्शन फैक्टर 10, क्योंकि इसका पैकिंग 10 का है इसलिए यहाँ पे कन्वर्शन फैक्टर 10 आ गया। इफ अगर आपका कन्वर्शन फैक्टर 15 होता तो आपको जस्ट यहाँ पर 15 करना है, 15 एफोस्ट्रोफी S, 15 किया मैंने 100 के पैकिंग 100 टैबलेट को। अब देखिए यहाँ पर 15 अपने आप आ गया, ठीक है, परचेसिंग स्ट्रिप में होगा, सेल टैबलेट में होगा और ये 15 का पैकिंग है। ऐसे ही अगर आपका 20 आता है तो आप 20 करेंगे, सेम यहाँ पर 20 का पैकिंग आ गया। अब सपोज आपको 7 के पैकिंग में डालना है, 7 किया मैंने उसको, 7 का पैकिंग आ गया। अब यहाँ मैन्युफैक्चरर की लिस्ट आ गई, मैं डालूंगा ये डॉक्टर रेड्डी का आइटम है। शेड्यूल कौन से शेड्यूल में आता है आइटम, H1 होगा तो आपको 1 डालना है, अगर H शेड्यूल का आइटम है तो आपको H डालना है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इसको ब्लैंक रख सकते हैं हम लोग, HSN कोड ये आपको परचेसिंग बिल पे मिल जाएगा, HSN कोड को रिटाइप ही करना है। जिफी के अंदर क्या कंटेंट है वो आपको यहाँ डालना है, F1 दबाएंगे तो आपको कंटेंट की लिस्ट आ जाएंगे, जैसे मैंने डाल दिया सिफेक्सिम कंटेंट है इसमें। सेकंड कंटेंट होगा तो इसको भी F1 दबा के आप ले सकते हो, कोई कंटेंट आपको डालना है तो, नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। अब ये प्रोडक्ट आपका लिस्ट में ऐड हो गया 7 के पैकिंग में, इसको मैं F6 दबाऊं। अब हम सेकंड प्रोडक्ट लेंगे बेटनोवेट, ये एक आइटम है जो क्रीम फॉर्म में आता है, बेटनोवेट प्लस क्रीम आ गया है, समझो अब सी मैंने अभी बेटनोवेट प्लस का कोई आइटम मेरे पास नहीं है यहाँ पर, अब मुझे वो ऐड करना है, अल्टर F4 दबाऊंगा मैं, बेटनोवेट प्लस क्रीम, इसका 20 ग्राम का पैकिंग आता है। रैक नंबर छोड़ दीजिए, एलोपैथी आइटम है। अब ये देखिए यहाँ पे परचेस यूनिट आ गया, पीस में आएगा, पीस में जाएगा, कन्वर्शन फैक्टर सिंगल, ये दोनों सेम होना चाहिए तभी आपका पैकिंग एक लेगा, क्योंकि बेटनोवेट सी क्रीम को हम कभी लूज नहीं करेंगे, मतलब सिंगल सिंगल यूनिट ही बिकेगा। इसमें कुछ डिस्काउंट होगा तो आप डिस्काउंट डाल सकते, अगर इसकी जगह कभी कोई अगर बॉटल पैकिंग फॉर्म वाला आइटम रहता था तो आप यहां पर करते थे 100 ml डाल दिया। अब देखिए यहां पे बॉटल अपने आप आ गया, इसका भी यूनिट सेम रहेगा, एक सिंगल बॉटल आएगा, सिंगल जाएगा। मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट आ गई है, अब इसमें मैन्युफैक्चरर आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है, ले लिया मैंने मैन्युफैक्चरर। शेड्यूल कौन से शेड्यूल का आइटम है, ये H1 का है या H का है, वो आपको आइटम के ऊपर प्रिंटेड मिल जाता है। HSN कोड, इसमें आपको कंटेंट डालना है बेटनोवेट का, जो भी उसका कंटेंट है आपको आइटम पे देख के, मैंने एग्जांपल लिया ये, आप उसका कंटेंट डाल सकते हो। ये आइटम आपका बेटनोवेट प्लस ऐड हो गया। थैंक यू।